यूपी की सियासत में मौर्य वर्सेस मौर्य की भीषण लड़ाई, जीत के लिए सियासत में किसने बढ़त बनाई? स्वामी का केशव पर पुराना वाला वार, अब केशव का स्वामी पर नया वाला पलटवार। स्वामी ने केशव को स्टूल वाला मंत्री दिया था करार, अब केशव स्वामी को भोंपू भोंपू कहकर रहे पुकार। राजनीति की दुनिया में हर दिन एक समान नहीं होता, ये सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हो रहा है उससे तय हो गया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने का रास्ता मिल गया। स्वामी ने केशव के जख्मों को कुरेदा था, बार बार घायल केशव के जख्मों पर नमक छिड़का था, तो अब बारी केशव की है। केशव का स्वामी पर अटैक शुरू हो गया है। जिस मौर्य समाज की ताकत के बल पर अपनी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खांटी दिग्गजों से ऊपर खुद को तवज्जो देने के लिए मजबूर कर दिया, आज उसी मौर्य समाज की ताकत के दम पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वामी को एहसास कराने में जुट गए हैं। सियासत में मिले जख्मों को कुरेदना कैसा लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी उपचुनाव में केशव की आक्रामक राजनीति को थामने की जिम्मेदारी सपा की ओर से ली थी। केशव के मोराल को थामने के लिए स्टूल वाले मंत्री प्रकरण को खूब उछाला था, बार बार कहा था केशव तो स्टूल वाले मंत्री हैं, ऐसा कहकर खिलखिलाकर हंसते थे, जनता की तालियां बटोरते थे, तर्क देते केशव तो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, बावजूद उनके लिए चुनाव प्रचार के मंच पर कुर्सी नहीं है, कुर्सी की जगह स्टूल है जिस पर केशव बैठे नजर आते हैं। ये मौर्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी आपके डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी आपको कुर्सी नहीं देती है, आप स्कूल में भी बैठने के मजबूर ना हुए हो, और जब आप अपने सम्मान की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद कुर्सी नहीं मिल रही है, स्कूल मंत्री बन गए हो, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो संकट समाज की रक्षा क्या करोगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला मंत्री कहना अब भारी पड़ रहा है। अब बारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, क्योंकि रामचरितमानस से कोई चौपाई हटाई या फिर उस पर बैन लगाने की मांग करने के बाद स्वामी घिर गए हैं। सबके निशाने पर स्वामी हैं, यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी सपा के नेता भी उनसे किनारा कर रहे हैं। स्वामी अकेले हैं, अकेले हो गए हैं तो केशव प्रसाद मौर्य उन पर टूट रहे हैं, बरसते हुए कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आप अखिलेश के भोंपू हैं, स्वामी के स्टूल वाले वार पर केशव भोंपू से पलटवार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में केशव कह रहे हैं एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी पी कर सपा में गए हैं, वहां अखिलेश यादव के भोंपू बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी में एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहां पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है, और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा उसका विरोध करवाना, और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयागराज के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी राम भगवान श्री राम के भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। बहराज स्वामी प्रसाद मौर्य के बार को केशव ने बहुत दिनों बाद अपने पलटवार से जवाब दिया। हालांकि ये बात तय है कि जितना अहम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बीजेपी के लिए हैं, उतने ही अहम सपा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। दोनों की अहमियत अपनी अपनी पार्टी में कितनी है उसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। विधानसभा चुनाव 2022 में दोनों की हार हुई थी, बावजूद इसके दोनों को ही उनकी पार्टियों ने अपनी ओर से सम्मान दिया। केशव को बीजेपी ने डिप्टी सीएम के साथ एमएलसी बनाया,
तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई दावेदारों से स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे रखते हुए MLC बनाया। दोनों ही नेता खुद को मौर्य समाज का सर्वश्रेष्ठ नेता बताते थकते नहीं, खुद को ही मौर्य समाज का अगुवा मानते हैं। इसलिए जब लोकसभा उपचुनाव हुआ तो अपने समाज में केशव को कमतर दिखाने के लिए स्वामी ने स्टूल वाले मंत्री का जिक्र किया। अब जबकि गेंद केशव के पाले में है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश का भोंपू करार दे रहे हैं।